महागठबंधन में रहने क्या कहाँ अब सवाल है, महागठबंधन तो अभी हम लोग हैं नहीं। वो तो आला कमान तय करेंगे, लेकिन हमको लगता है कि हम लोग गिनती में नहीं है उन्हें से, इसलिए हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे शायद, जैसा यही निर्णय है। एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में गहमा गहमी मची हुई है, खास करके इसलिए क्योंकि अगर आरजेडी 3 प्रत्याशियों को एमएलसी चुनाव जितवाना चाहती है तब उसे कांग्रेस के समर्थन की जरूरत होगी, लेकिन कांग्रेस साफ तौर पर कह चुकी है कि उपचुनाव के बाद से वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसके बाद खबर ये आई थी कि जो ओवैसी की पार्टी है उसके विधायक टूट सकते हैं, तभी आरजेडी के तीनों एमएलसी प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीत पाएंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है और इसको लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है, चहुओं चर्चा है कि कांग्रेस क्या कुछ फैसला लेने वाली है, क्या इस मीटिंग में यह फैसला लिया जाएगा कि किस पार्टी को समर्थन देना है। आप पहले सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता है, चाहे वो विधायक दल के नेता आदित्य शर्मा हो या फिर कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा। पहले सुनिए फिर विस्तार से इसके राजनीतिक एंगल के बारे में चर्चा करते हैं। कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरी तरफ आपके जो नेता प्रद्युम्न यादव ने एनआर कटाया है वो किसकी अनुमति से कटाया है? वो तो आप उनसे पूछिए और आला कमान से पूछिए, तो हमें पता नहीं, बिना विधायक दल की अनुमति के ये हो सकता है? कांग्रेस उम्मीदवार उतार रहे हैं आप लोग, कोई कांग्रेस तय तय है कि अभी तय हो जाए, आला कमान खबर करेंगे जो करना है, लेकिन हम लोग अभी कोई कैंडिडेट तय नहीं है। क्या बिना विधायक दल के नेता के अनुमति के, आला कमान के अनुमति के ऐसे भी कोई भर सकता है? आप भी ले सकते हैं, कोई भी विधान परिषद ले सकता है रसीद, इंडिपेंडेंट कोई भी ले सकता है, वो लिए होंगे। एक एनआर कटाया गया है, हाँ तो इंडिपेंडेंट कोई भी कटा सकता है, कांग्रेस की इच्छा नहीं है मतलब, वो तो आला कमान तय करेंगे, लेकिन हमको लगता है कि हम लोग गिनती में नहीं है उन्हें से, इसलिए हम लोग को चुनाव नहीं लड़ेंगे शायद, जैसा यही निर्णय है, लेकिन वो अभी कहना बहुत मुश्किल, लेकिन हम लोग तो सदन की बैठक कर रहे हैं कि सरकार को कैसे घेरेंगे। आला कमान से इंतजार है अभी भी? नहीं इंतजार नहीं, वो तो तय हो चुका है कि नहीं लड़ सदन के अंदर राजद के साथ तय हो चुका कि उम्मीदवार। सर ये सदन के अंदर हम जनता की आवाज बनते हैं, किसी के साथ नहीं, विपक्ष के जहां तक बात है सरकार को घेरने में हम लोग सभी विपक्ष एक साथ रहेंगे। सर क्या तय हो गया कि आप उम्मीदवार नहीं देंगे? क्या चीज का? एमएलसी का? बिल्कुल तय हो, वही है कहा, हम तो बोले बाइट भी सबके टीवी पर चला होगा, नहीं लड़ रहे, नहीं लड़ रहे, किसी का समर्थन भी नहीं कर रहे? नहीं समर्थन कैसे करेंगे, हमको जरूरत क्या है, हमको जब नहीं पूछेगा तो हम किसी को पूछेंगे, वो तो अलग इशू है, आज तो सदन की बात करने दीजिए, उसके बाद फिर बात आएंगे इस पर। मिले हैं और क्या आप लोग उम्मीदवार उतारने के लिए जा रहे हैं ऐसे कुछ? नहीं, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी तो हम आए ही हैं तुरंत, और आकर के निकले बाहर की आप उससे मुलाकात हो रही है। ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस जो है वो एक विधायक अपने उतार सकता है, क्या इस पर उम्मीदवार उतार सकता है? नहीं अभी इस पर कोई नहीं राय पर नहीं है, यहाँ की जो परिस्थिति है उससे पहले भी हमने आला कमान को सभी बात से अवगत करा दिया है, ये क्या क्या परिस्थिति है, किसकी क्या संख्या है, हमारी क्या है, तो आला कमान को अवगत करा चुके हैं हम लोग, अभी वहाँ से भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया है ये क्या करना है, तो हम लोग आपस में बैठे हैं, आपस में बातचीत उचित कर रहे हैं, ये क्या है आगे की परिस्थिति क्या हो रही है, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है ये क्या करना है। सर यदि ऊपर से निर्देश नहीं है तो कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी? जो वहाँ से निर्देश आएगा उसी पर पार्टी काम करेगी, ये आला कमान ओरिएंटेड पार्टी है, आला कमान का जो निर्देश होगा, अगर यहाँ किसी विधायक की राय होगी तो इस राय से भी लेटेस्ट में अवगत करा दिया जाएगा आला कमान। अंदर कौन कौन लोग मौजूद हैं बता सकते हैं? कौन कौन हैं? सभी विधायकों को बुलाया गया सर बैठक में? वो हमारे CLP बुलाए होंगे, हम 2 बजे रात में बाहर से आए हैं, अभी तुरंत यहाँ 5-7 मिनट पहले पहुँचे हैं, एक फोन आ गया तो उसे बात करने के लिए निकले थे, आप लोग से भेंट हो गई। महागठबंधन में रहने क्या कहाँ अब सवाल है, महागठबंधन तो अभी हम लोग हैं नहीं, महागठबंधन हम लोग शुरू से ही जो बाई इलेक्शन हुआ या काउंसिल का इलेक्शन हुआ उसमें अलग लड़े हैं, हैं कि नहीं वो तो नहीं है, रहेंगे कि नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन अभी हम लोग नहीं है। तो आपने सुना, चाहे वो अजीत शर्मा हो या मदन मोहन झा हो, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो भी आलाकमान का निर्देश होगा उसे फॉलो किया जाएगा, यानी उसका अनुसरण किया जाएगा, लेकिन हम जो है एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन ये साफ नहीं किया कि वो किसको समर्थन देने जा रहे हैं, इस पर साफ कहा कि जो भी आलाकमान का आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे, लेकिन एक सवाल और पूछा गया कि क्या आप महागठबंधन का हिस्सा हैं, तब बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि हम महागठबंधन का हिस्सा नहीं हैं,
उपचुनाव के बाद से हम महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, आगे होंगे या नहीं ये जो है वो आलाकमान पर निर्भर करेगा। और आपको याद होगा संपूर्ण क्रांति के दिन जब तेज यादव रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे थे उस वक्त भी कांग्रेस वहां नहीं पहुंची थी, और एक तरफ किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने यह कहा था कि उनके जो विधायक हैं वो जेडीयू के प्रत्याशी का समर्थन कर सकते हैं क्योंकि बीजेपी ने दो प्रत्याशी को उतार दिया है, जेडीयू ने दो प्रत्याशी को उतार दिया है, और अगर बीजेपी समर्थन नहीं करती है तब कांग्रेस जो है वो जेडीयू को अपना समर्थन देगी, लेकिन अगर बीजेपी जेडीयू को समर्थन देने के लिए तैयार हो जाती है तब हो सकता है कि कांग्रेस की जरूरत नीतीश कुमार को ना हो। लेकिन फिर भी सियासत इस बात को लेकर गर्म है कि अगर कांग्रेस खुलकर ये बता रही है कि वो आरजेडी के साथ नहीं है तो क्या एमएलसी के चुनाव में वो आरजेडी का समर्थन करेगी, क्योंकि अगर नहीं करेगी तब जो है आरजेडी का जो तीसरा एमएलसी का प्रत्याशी होगा वो चुनाव नहीं जीत पाएगा और इसके बदले में हो सकता है कि उनको अवेसी की पार्टी तोड़नी पड़े या फिर कोई और पार्टी उनकी मदद को आगे आए, क्योंकि हो सकता है जीतन राम मांझी मदद को आगे आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि एनडीए में उनका दम जो है अब वो घुट रहा है क्योंकि वो चाहते थे कि उनको एक एमएलसी का सीट दिया जाए लेकिन एनडीए की तरफ से मांझी को एक भी सीट नहीं दी गई। तो एमएलसी को देखते हुए चुनाव 20 जुलाई को होने और इसको लेकर सियासत गर्म है और सबकी नजर जो है वो कांग्रेस पर है कि कांग्रेस का अगला स्टेप क्या कुछ होगा। लेकिन इतना तो साफ कर दिया नेताओं ने, वो भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि जो विधायक दल के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, आगे होंगे या नहीं ये आलाकमान पर निर्भर करेगा और जो आलाकमान निर्देश देगा वही हम करेंगे। वो हमारी नजर बनी रहेगी आलाकमान जो है वो क्या कुछ फैसला सुनाती है, क्या कुछ कहती है, और एमएलसी चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति जो काफी दिलचस्प होने वाली है, हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहें NBC 24, जो भी बिहार से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें होंगी उससे हम आपको लगातार इत्तला करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।